भैया बहनों, आज हम सेवेंथ क्लास में रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। पहले चैप्टर के रिवीजन करेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं और कल मैं इनका सॉल्यूशन बताऊँगा। फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ -11/9। इसका डिनोमिनेटर 9 होगा एंड न्यूमरेटर -11 होगा। एक्सप्रेस द 2 होल 3/7 एज रजिस्टर नंबर। 7 × 14 + 3 = 17/7 इज द रजिस्टर नंबर फॉर्म ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट -4/5 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचेंगे। इसमें एक तरफ हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, एक तरफ नेगेटिव लेंगे। यहाँ 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। हमें -4/5 को दिखाना है, तो -4/5 ये हमारा प्रॉपर भी है, नेगेटिव भी है, इसलिए हम 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट करेंगे। इसमें फोर्थ लेंगे तो ये होगा -4/5। कंपेयर करनी है -15/45 एंड 17/-51। हम 15 से काटेंगे तो -1/3, 17 से काटेंगे तो -1/3। दोनों रजिस्टर नंबर इक्विवेलेंट हैं, समान हैं। फाइंड 3 रजिस्टर नंबर इक्विवेलेंट टू -2/9। इक्विवेलेंट रजिस्टर नंबर हमें कब मिलते हैं? जब हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी रजिस्टर नंबर को। तो हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/18, -6/27, -8/36 ये रजिस्टर नंबर्स होंगे। राइट 21/-36 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 21/-36 है। आप 3 से कट करो 7 आएगा, 3 से कट करेंगे 12 होगा। तो 7/-12 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 21/-36। नेक्स्ट है -12/-50। -12/-30 इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पहले हम इसे 3 से काटेंगे तो 4, 3 से कट करेंगे तो 10, फिर 2 से कट कर लो 2 आएगा, यहाँ पे 5 -2/-5 या 2/5। स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं देते, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई -1 से की तो 2/5। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम 5, 7, 9, 3 का एलसीएम लेंगे। इन सभी के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम इनका एलसीएम बनाएंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमें यही काम करना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ता, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स बिटवीन 17/5 लाई। 17/5 3 होल 2/5। तो 3 होल 2/5 लाई बिटवीन 3 एंड 4। आज इतना ही करेंगे, ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।